अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अमरीन इस्माइल फैमिली व्लॉग्स। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज है ना मैं मैंगो की लस्सी बनाई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी, बच्चों को भी है ना बहुत पसंद आई, तो आप लोग से भी है ना शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर है ना एक ग्राइंडिंग जार ले लिए थे और इसमें है ना ये मैंगो के छोटे छोटे पीसेस करके ऐड कर ली हूँ। यहाँ पर मैं 2 मैंगोज ली थी और ये है दही, 1 कप दही ली हूँ भर के, और ये दही को भी ऐड कर लेंगे। और ये शुगर है, ये 1/2 कप शुगर ऐड करी हूँ। यहाँ पर मैंगो है ना मीठा था तो शुगर थोड़ी सी ऐड करी हूँ, आप लोग है ना ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये इलायची पाउडर है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालना है, बिल्कुल थोड़ी सी, और थोड़े से आइस क्यूब्स डालकर है ना इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक स्मूथ है ना पेस्ट बन गया था। आप लोग चाहे तो है ना इसको 1 गिलास चिल्ड वाटर भी डालकर है ना थोड़ा लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा है ना थिक बन गई थी लस्सी। खैर है ना बच्चों को पसंद आई थी, मेरे को है ना ज़्यादा गाढ़ी नहीं पसंद, तो मैं ना बाद में से फिर से ना 1 गिलास ज़्यादा डालकर पानी ग्राइंड करके लिक्विड बनाकर पी थी, लेकिन ये थिक वाली बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो ये सर्व कर ली हूँ ग्लासेस में और है ना बच्चों को पिलाकर उन लोग से रिव्यू लेंगे, मुजम्मिल मुजफ्फर को पसंद आती या नहीं देखेंगे। तो इसके ऊपर है ना एक एक मिंट लीफ रख दी थी मैं अच्छा लगने के लिए, डेकोरेशन के लिए, और इसका भी फ्लेवर आता पुदीने का। कमेंट तो दो कैसा है, टेस्टी गाइस, जल्दी जरूर ट्राई करना। इसे खा कर इसे पी कर मैं दिमाग एकदम चिल। चलो ये मम्मी को देंगे। हाँ, इच्छे से ये फल। और ये तुम पियो रुमाना। हेलो, आज शाम के टाइम है ना हम लोग ये समोसे खा रहे थे, ये एग वाले समोसे है, मेरे भाई अब्बास लेकर आए थे, तो इतने पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के थे, गरम भी थे बहुत ज़्यादा और टेस्टी थे। और है ना कल हस्बैंड पानी पूरी लाए थे तो उसका एक क्लिप था, ये पानी पूरी है ना मोती दरवाजे की रोड पे मिलता कॉर्नर पे, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर कोई है ना वहाँ से पार्सल लेके जाते, और है ना कई लोग तो है ना वहाँ ठहर के भी खाते, बहुत मज़े की रहती। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए अगर एमडीला इंस्टोली जो कि या मोती दरवाजे में रहते तो। और आज का ये रेसिपी अगर आप लोग को पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे कल इंशाल्लाह, जब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।